बच्चन, अनुपम खेर, कंगना रन। पतित पावन सीताराम 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 भज प्यारे तू सीता बोलो।
जो प्राचीन गौरव था वो आज यहाँ पर मंदिर के माध्यम से दिखाई दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? किस तरह की भावना है? आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज तो केवल आस्था है, विश्वास है, पूजा है मन में। दर्शन करेंगे प्रभु रामचंद्र जी का राम लला के रूप में। वही लता जी का वो गाना याद आता है, बार बार ठुमक चलत रामचंद्र बाजत पैंजनिया। तो वो इनसेंस, वो प्रेम की मूर्ति हैं, मर्यादा के साथ साथ प्रेम की मूर्ति रहे हैं। रामायण एक तरह से राम और सीता को देखेंगे तो आप, ये लव स्टोरी है कि अपनी पत्नी के लिए उन्होंने क्या क्या किया, है ना। तो वो सारे भाव आ रहे हैं मन में, कमिटमेंट, जो प्रजा के प्रति अपना राजा का धर्म, ये सारे भाव मन में आ रहे हैं और यहाँ से यही सारी ऊर्जा लेके जाएंगे। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा किस तरह से उतरती हुई दिखाई दे रही है? सब कुछ मर्यादा में ही है और मर्यादा के लिए कहीं ना कहीं डिसिप्लिन की आवश्यकता जो होती है वो आज दिखा दिया यहाँ पर। प्रतिष्ठा में शामिल हो रहे हैं सर, कितना सौभाग्यशाली अपने आप। बहुत ही सौभाग्य, 500 वर्ष का संघर्ष और उसमें रक्त रंजित इतिहास। मुलायम सिंह जी के कार्यकाल में कितने ही कार सेवकों की निर्घृण हत्या और उसके बाद ये जो आज वास्तु और भवन निर्माण हुआ है, मंदिर निर्माण हुआ है, मन में करुणा भी है और मन में सम्मान भी है उन सारे कार सेवकों के लिए और केवल आस्था है मन में। धन्यवाद। और विशेषकर मंदिर का दृश्य तो मनोहारी है। प्रभु श्री राम की जब प्राण प्रतिष्ठा यहाँ पर प्रतिमा की होगी, जो राम भक्त जो सदियों से इंतजार कर रहे थे, जो सालों से इंतजार कर रहे हैं, उनकी प्रतीक्षा खत्म हो रही है आज। और तकरीबन 500 से ज्यादा वर्ष गुजर गए, सदियां निकल गई जब ये सपना साकार हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी इस पूरे कार्यक्रम के मुख्य यजमान हैं। प्रभु श्री राम की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान शंकर की भी पूजा होगी। प्रधानमंत्री उनकी पूजा करेंगे, उसके बाद देखिए बहुत सूक्ष्म मुहूर्त है, सिर्फ 84 सेकंड का ही ये मुहूर्त है, प्राण प्रतिष्ठा का शुभ मुहूर्त। और ये एक तरफ आप तस्वीर देखिए अयोध्या नगरी की, दूसरी तरफ आप देख सकते हैं अयोध्या मंदिर परिसर की। भज प्यारे तू अयोध्या, अयोध्या मेरे प्यारे।
500 सालों के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अयोध्या में आज रामलला पधारने वाले हैं। पूरा देश मानो दिवाली मना रहा है, हर कोई राममय हो चुका है। प्रभु श्री राम की भक्ति में देश विदेश के लोग रमे हैं। राम की जन्मभूमि अयोध्या नगरी को हजारों क्विंटल फूलों से दुल्हन की तरह सजाया गया है। ये देखिए मेगा स्टार रजनीकांत। और कई हस्तियां जो पहुंची हैं इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए। थोड़ी देर पहले हमने आपको और भी तस्वीर दिखाई थी, देखिए जब बिग बी पहुंचे थे, साथ में अभिषेक बच्चन भी थे। और देखिए जब महाभारत सीरियल में श्री कृष्ण का किरदार निभाने वाले नीतीश भारद्वाज वो भी पहुंचे, उन्हें भी आमंत्रण मिला था। और जो उन्होंने कहा कि ये आस्था और विश्वास की जो ऊर्जा है, जो भी यहाँ पहुंचे हैं वो इसी ऊर्जा को लेकर वापस लौटने वाले हैं। और सिर्फ हिंदी फिल्म जगत की ही हस्तियां नहीं पहुंची है यहाँ पर, हमने अभी आपको दिखाई ये तस्वीर, आपने देखी कि रजनीकांत भी थे। साथ ही साथ आपको बता दें कि रामचरण भी पहुंचे हैं यहाँ पर, अभिनेता रामचरण भी पहुंचे हैं। अभिनेत्री कंगना रनौत भी हैं यहाँ पर, उन्होंने तो बाकायदा अपने सोशल हैंडल पर तस्वीर भी शेयर की है वहां जब वो पहुंची वहां पर। उसके बाद कार्यक्रम में इस विशेष समारोह में शामिल होने के लिए अयोध्या पहुंच चुके हैं। दोपहर 12:55 तक प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम चलेगा। हम आपको लगातार ये अपडेट भी देते जा रहे हैं, कब ये शुरू होगा, कब तक चलेगा, कौन कौन से लोग इसमें शामिल हो रहे हैं और किस तरह से दिव्य नव्य और भव्य अयोध्या धाम हम सभी के सामने है। लगातार हम आपको सुबह 7 से ही और उससे पहले से भी हम कहें तो लगातार हम आपको दिखाते जा रहे हैं। वक्त प्राण प्रतिष्ठा में अब थोड़ी देर का वक्त और बचा है। प्रधानमंत्री मोदी खुद इस कार्यक्रम के मुख्य यजमान हैं। और इससे पहले हमने ये भी तस्वीरें दिखाई कि अलग अलग क्षेत्रों की नामचीन हस्तियां पहुंच चुकी हैं इस समारोह का हिस्सा बनने के लिए, चाहे वो मनोरंजन जगत हो, राजनीति जगत हो या खेल जगत हो। ये मुख्यमंत्री पहुंचे हैं।
पावन सीताराम सीताराम। और ये तस्वीरें आप, दो तस्वीर आपके स्क्रीन पर है, एक तस्वीर जिसमें आप अयोध्या धाम, भव्य अयोध्या मंदिर, उसके दर्शन कर पा रहे हैं, और दूसरी तस्वीर उन गणमान्य की जो यहाँ पर पहुंचे हैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए। दोनों तस्वीरें और अलग अलग क्षेत्रों की अलग अलग हस्तियों को आमंत्रित किया गया है और सभी पहुंचे हैं। और देखिए, यहाँ आने वाले सभी ये कह रहे हैं कि वो खुद को भाग्यशाली समझते हैं कि उन्हें और ये तस्वीर दे रहे हैं।
करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।